बेडरूम हर महीने पानी चेंज किया जाता है। चलो देखते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों, इनको ऐसे खोल के साथ 10 बार बैठ रही है। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्त अपने इस वीडियो को लाइक और एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि जो भी मेरा वीडियो देखे वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। यार प्लीज़ अपने इस भाई के मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तुम्हारा ये भाई आपके लिए नए न्यू 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 ब्लॉगों के साथ उपलब्ध होता रहे और आपको दिखाता। तो दोस्तों अब चलते हैं हम न्यू ब्लॉग लेने सोलर प्लेटों का आज, क्योंकि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा सोलर प्लेटों को यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ धूप अधिक गिरती है, इसलिए सोलर प्लेटें धूप में ही ज़्यादा अपना सोलर प्लेटें धूप में ही अपना ज़्यादा काम करती हैं, क्योंकि ये इन पे अलग अलग प्लेटों का यूज़ किया जाता है। चलो चलते हैं यार, आप अपने सोलर प्लेटों को देखते हैं। यह नीचे से दिखाई दे रही हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में इनको ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा धूप में ही काम करती हैं, ऐसे बात जगह पर काम नहीं करती जहाँ छाया वगैरह रहती है। दोस्तों अब सोलर प्लेटों को ऊपर से देखते हैं कैसी लगती हैं। देखो यार बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि ये 30 प्लेटें हैं, इनसे मोटर चलाई जाती है पानी वाली, और आसपास की जो भी बिजली यूज मिली जाती है हमारे यहाँ पर वो सारी इनसे चलती है। 24 घंटे मोटर चलती रहती है इससे, क्योंकि धूप यहाँ बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए सोलर प्लेटें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं। सोलर प्लेटों को ऊपर से अब दूसरी तरफ से देखते हैं। देखो ये तार वायरिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा तारों का यूज़ किया जाता है। ये इधर देखो यार कितनी लटकी हुई है। दोस्तों इन प्लेटों को हर हफ्ते में 1-2 बार धो देना चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर भीट वगैरह मिट्टी वगैरह चढ़ जाती है, तो जहाँ भी मिट्टी और भीट वगैरह गिर जाएंगी वहाँ पे इनकी ये सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि ये प्लेटें छोटे छोटे सेल्सों से बनकर 1-3 फीट और 5 फुट लंबी और 2-3 फुट चौड़ी प्लेट बनती है, क्योंकि इन पर कंकर पत्थर या कोई भी भीट वगैरह गिर जाए तो यह वहाँ उस स्थान से काम करना बंद कर देती है। इसलिए इन सोलर प्लेटों को कोई खाली स्थान पर जहाँ पर पेड़ पौधे या कुछ और चीज़ें ना हो उस जगह पर लगाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर छाया ना गिरे और अच्छे से काम करें, ये किसी प्रकार का छाया धूप धूप। तो स्टोर रूम में इनकी बैटरी रखी हुई है, उनको देखते हैं और क्या क्या कैसे कैसे लगी हुई हैं। तो स्टोर रूम में चलते हैं और देखते हैं कि सोलर प्लेटें कैसे कैसे कहाँ कहाँ उनकी बैटरियाँ रखी हुई हैं। इसमें 12 बैटरियाँ हैं, और ये एक इसका है ऑटोमेटिकली, ये इसमें टाइम वगैरह सब कुछ दिखाया जाता है, कितनी क्या लाइट बन रही है सोलर की और कितनी क्या लग रही है। इन बैटरियों में हर महीने पानी चेंज किया जाता है। चलो देखते हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों, इनको ऐसे खोल के साथ 10 बार बैटरी है, इनमें ऐसे खोल खोल के और इनमें पानी डाला जाता है, इसी प्रकार सभी में लगी हुई है ये पानी डालने का, और इस प्रकार डालते हैं इसके अंदर खोल कर। देखो यार भाई जैसे मैं डाल रहा हूँ ऐसे ऐसे इनको डालते हैं, और फिर डालकर इसको वापस बंद कर दिया जाता है, क्योंकि कोई कीड़े मकोड़े वगैरह कुछ ना घुसे इनके अंदर। और ऐसी बोतल आती है इनमें पानी डालने के लिए, ये इस तरह की, ये 5 लीटर की है ये बोतल, जो इनमें खोल के और डाला जाता है। ये हर महीने के आसपास चेंज करना पड़ता है इस पानी को, क्योंकि ये बैटरी यहाँ लाइट बनाती है तो वो उन पानी को सोख लेती हैं, क्योंकि जलता है, उबलने लग जाता है, ये भी केमिकल की तरह है, और ये गर्म होने के बाद जल जाता है, इसलिए हर महीने इन्हें भी चेंज किया जाता है पानी। क्योंकि भाई अपने इस भाई का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि तुम्हारा भाई का मोटिवेशनल बनेगा तो आपके लिए और भी नए नए ब्लॉग्स के साथ आता रहेगा। क्योंकि आप इस भाई के ब्लॉग्स को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कहाँ से यार इनका मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आएगा।